नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। ये राजनीति है, यहाँ कोई भी कभी भी रूठ सकता है, कोई भी कभी भी साथ आ सकता है, कोई भी दल बदल सकता है और कोई कोई तो दल बदल कर वापस भी आ सकता है। किस्सा सारा का सारा कुर्सी और टिकट का है, ये दोनों जिसके कार्यकर्ता उसके, बाकी यहाँ कुछ भी देखने को मिल सकता है। जरा सी बात पर सत्ता का खेल पलट सकता है। बात करते हैं चित्तौड़ की, जहाँ विधानसभा में बड़ा भयंकर उठापटक मच गई थी और कारण था सिटिंग एमएलए चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट काटना। अब आक्या का कारण जानना लाजमी था, जिसका जवाब किसी के पास नहीं था कि उसका टिकट क्यों काटा गया। चंद्रभान सिंह आक्या का जनता पर और कार्यकर्ताओं पर इतना जबरदस्त प्रभाव था कि आक्या बागी हो गए और नरपत सिंह राजवी को टिकट देना और आक्या का टिकट काटना भाजपा की एक बड़ी गलती साबित हो ही गया। टिकट काटने का आरोप सीपी जोशी पर लगा था। विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीते भी। आक्या के सामने भाजपा प्रत्याशी नरपत सिंह राजवी की जमानतें जब्त हो गई। हालांकि बाद में आक्या भाजपा के ही समर्थन में आए, लेकिन अब जब से लोकसभा चुनावों की रणभेरी बजी है, एक बार फिर आलाकमान को आक्या को लेकर बगावत का डर सताने लगा। कारण था उनका एक बयान, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कार्यकर्ता कहेंगे तो 100% चुनाव लड़ूंगा। उनके इस बयान के सियासी मायने निकाले गए और चित्तौड़ से लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी को चिंता सताने लगी। इसको लेकर आलाकमान तुरंत एक्टिव हुआ, क्योंकि आक्या की ताकत का अंदाजा उन्हें विधानसभा चुनावों में कहीं ना कहीं लग चुका था, इसलिए ये डैमेज कंट्रोल करना बेहद जरूरी था। तो भाई, इसको लेकर शनिवार देर रात तक जयपुर स्थित सीएम हाउस में एक लंबी मीटिंग चली। निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी ने मध्यस्थता की। बहरहाल भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या में सुलह हो गई। दोनों के बीच लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करने पर सहमति बन गई। चंद्रभान सिंह अब पूरा समर्थन बीजेपी को देने के लिए राजी हो गए हैं। मीटिंग में बीजेपी से निष्कासित कार्यकर्ताओं को भी वापस पार्टी में लेने की बात हो गई है। इन कार्यकर्ताओं को 2 दिन बाद औपचारिक रूप से पार्टी ज्वाइन करवाई जाएगी और ये वो बीजेपी कार्यकर्ता हैं जो विधानसभा चुनाव के दौरान निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह के साथ जुट गए थे। सीएम भजन लाल की मौजूदगी में निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या मीटिंग में रात 1 बजे तक रहे। सीएम भजन लाल के निर्देश के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीचंद कृपलानी लगातार दोनों नेताओं का मनमुटाव को खत्म करने की कोशिश करते रहे। विधायक चंद्रभान सिंह के समर्थकों की संख्या ज्यादा है, ऐसे में दोनों नेताओं के टकराव से कांग्रेस को फायदा मिलने की पूरी पूरी आशंका। सीपी जोशी और आक्या के एक होने के बाद कांग्रेस की परेशानियां अब जरा बढ़ गई हैं।